हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमने पूर्ण भारत के तहत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्यप्रदेश शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसे आपके विद्यालय में पहुँचा दी गई है। और आपके विद्यालय में आपको आपके कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक आपको यह अभ्यास पुस्तिका देंगे, जिसे आपको दिवसवार, सप्ताहवार, वर्कशीटवार आपको हल करके आपको विद्यालय में अपने कक्षा शिक्षक को जांच कराना है। तो हम आज इसी कड़ी में देखेंगे सप्ताह 12 दिवस 1 वर्कशीट 61 पार्ट 9 बादल आए बारिश लाए। तो इसको कैसे तैयार करेंगे, इसके विषय में हमने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एवं आपके द्वारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुँच सकेंगे। हम देखेंगे बच्चों इसमें सीखने के बिंदु, पौधों और जानवरों के लिए वर्षा जल के महत्व को समझाना। पौधों और जानवरों के लिए वर्षा का जो जल है उसके महत्व को हमको समझाना है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे बताओ अभ्यास क्रमांक 1 में नदी या तालाब के किनारे पानी पीते जानवर का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो देखिए आप यहाँ पर ये सूर्य बना हुआ है और ये जो जलाशय है, नदी तालाब जो भी आप समझें, तो ये तालाब बना हुआ है। यहाँ पर पक्षी पशु पक्षी जो है पानी पीते हुए आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह आपको भी बना लेना है। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 में जिसका नाम है करो। अभ्यास क्रमांक 2 फसलों को पानी देने के लिए किन किन जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, गोला लगाइए। वैसे तो हमने जो जल स्रोत यहाँ पर दिए हुए हैं, प्राय सभी जल स्रोत में से सिंचाई व्यवस्था या फसलों को पानी दी जाती है, जैसे कुएं से भी दी जाती है, तालाब से भी, नहर से भी, भूजल बोर से भी और नदी से भी। तो इस तरह सभी जो है फसलों को पानी देने के लिए इन स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लेखो अभ्यास क्रमांक 3 में जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ कहाँ से पानी पीते हैं। तो जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं वो नदी या तालाब से पानी पीते हैं। इसके बाद देखेंगे पालतू पशु पानी कहाँ कहाँ से पीते हैं। तो घर मालिक जिसने पशु को पाला है वह पालतू पशु को पानी पिलाता है। अब इसके बाद देखेंगे हम जानवरों के लिए पीने का पानी किन किन बर्तनों में रखा जाता है, इन्हें कौन साफ करता है। तो टप, बाल्टी, गमला आदि जो है इसमें पानी पिलाया जाता है और इन्हें हम खुद स्वयं साफ करते हैं। इसके बाद आपने जानवरों को कहाँ कहाँ नहाते हुए देखा है, तो नदी और तालाब में नहाते हुए हमने जानवरों को देखा है। इसके बाद देखेंगे हम क्या जानवरों के नदी तालाब में नहाने से इनका पानी गंदा होता है, तो हाँ होता है। इसके बाद देखेंगे करो अभ्यास क्रमांक 4 में प्यासा कौवा कहानी के नीचे दिए गए चित्रों को सही क्रम में संख्या 1, 2, 3 और 4 से दर्शाइए। तो हम सबसे पहले 1 नंबर पर इस पे जाएंगे, ये वाले चित्र 1 नंबर पर। इसके बाद 2 नंबर का यह चित्र, 3 नंबर का यह चित्र और 4 नंबर का यह चित्र, इस प्रकार से हम इनको क्रम से जमा देंगे। इसके बाद देखिए आप सप्ताह 12 में ही दिवस 2 में वर्कशीट 62 पार्ट 9 बादल आए बारिश लाए के सीखने के बिंदु है बरसात के दिनों में आकाश और परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को देखना। अब क्या परिवर्तन होता है बरसात के दिनों में, इसको हम देखेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1 उंगलियों की मदद से धीमी से तेज और तेज से धीमी बारिश की आवाज़ें निकालना। जैसे सर 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 आवाज़ करते हैं, वैसे आवाज़ हम उंगलियों के माध्यम से निकाल करके देखेंगे, जिससे हमारा जो है सब अपनी अपनी उंगलियों को धीमी गति से बारिश की आवाज़ निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 में बरसात के दिन का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बरसात का दिन का चित्र इस तरह से हम बना लेंगे और उसमें रंग भर देंगे तो सुंदर और आकर्षक दिखने लगेगा। इसके बाद देखिए आप लिखो अभ्यास क्रमांक 3 में आपने क्या क्या बनाया है, जो चित्र आपने बनाया है वो क्या क्या बनाया। तो वर्षा की बूंद दिखाई दे रहा है और पौधे हैं गमले में वो दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से हमने बनाया है। इसके बाद देखेंगे आपने कब और कहाँ
ऐसा देखा है तो बरसात के दिन में हमने प्राय प्राय देखा है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, बरसात में और क्या क्या होता है? तो इंद्रधनुष बनता है, बिजली चमकती है और बादल गरजते। तो यह बरसात में आपने सुना होगा और देखा भी होगा। अब बारिश से बचने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? तो रेनकोट और छाता का हम बारिश से बचने के लिए उपयोग करते हैं। अगला है, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी से मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे सप्ताह 12 दिवस 3 में वर्षीट क्रमांक 63 पाठ 9 बादल आए बारिश लाए। सीखने के बिंदु इसमें है, बरसात के दिनों में की गई गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, इसमें पता करना है। अभ्यास क्रमांक 1 में बरसात से जुड़े चित्र और खबरें पुराने अखबार या पुस्तकों से खोजें। तो पेपर कटिंग भी आप रख सकते हो, बरसात से संबंधित जो भी खबरें हैं कि किसी जगह में बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पानी गिरते हैं, ओले गिरते हैं, बहुत सारी खबरों रहती है, तो पानी से कितना नुकसान हुआ, ये सारी खबरें जो है पेपर में अखबार में प्रकाशित होती है, जिसे आप काट के रख लेंगे और पुस्तकों में भी खोज लेंगे। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास क्रमांक 2, पुराने अखबार या पुस्तकों के चित्रों और खबरों को देखकर बरसात के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम? नंबर 1, बरसात के मौसम में वातावरण ठंडा एवं हरा भरा होता है। नंबर 2, बरसात का मौसम साल का सबसे अच्छा मौसम होता है। नंबर 3, बरसात के मौसम में बिजली एवं बादल गरजते हैं। नंबर 4, बरसात में इंद्रधनुष दिखाई देता है, बाढ़ आ जाती है। नंबर 5, बरसात में पेड़ पौधे में हरियाली आ जाती है। इस तरह से हम 5 वाक्य लिख देंगे। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 3, आपको बारिश में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है? तो हमें बारिश में ठंडा मौसम अच्छा लगता है, लेकिन बिजली का चमकना, बादल का गरजना अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद देखेंगे हम अगला अभ्यास है 4, बारिश में कौन टट्टर की आवाज़ कर निकालता है, लिखिए। तो बारिश में मेंढक टट्टर की आवाज़ निकालता है। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 5, इसमें क्या करना है देखिए बच्चों, पुराने अखबार के चित्रों और अपने लिखे वाक्यों को एक ड्राइंग शीट पर चिपका करके एक कोलाज बनाइए। यदि शीट उपलब्ध ना हो तो नीचे दी गई जगह पर चित्र को चिपकाइए। तो यहाँ पर हम इस तरह से पेपर की जो कटिंग है, जो बरसात से संबंधित पानी से संबंधित है, उसको हम कटिंग करके इस तरह से हम चिपका देंगे, एक कोलाज, मानसून का इंतज़ार। इस तरह से हम पेपर की कटिंग को चिपका कर मानसून का नज़ारा जो है इस तरह हम चिपका देंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह हमारी वर्कशीट 61, 62 और 63 कंप्लीट हो जाती है। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 64, 65 और 66 को तैयार करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।